पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 25 ACRPC के बारे में। सेक्शन 25 ACRPC हमें बताता है डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, यानी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, हेड कौन होगा प्रोसिक्यूशन का, उस बारे में बात करता है सेक्शन 25A। आइए देखते हैं बैराग की लैंग्वेज में। सेक्शन 25A सेज, ए सबसेक्शन 1 सेज, द स्टेट गवर्नमेंट मे एस्टैब्लिश अ डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ अ डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। स्टेट गवर्नमेंट एक डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन बनाएगी जिसमें डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होंगे एंड एज मेनी डेप्यूटी डायरेक्टर्स और डेप्यूटी डायरेक्टर्स ऑफ प्रोसिक्यूशन भी हो सकते हैं। सबसेक्शन 2 सेज अ पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टरेट एज अ डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और अ डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। अब कौन सा पर्सन एलिजिबल होगा डायरेक्टर बनने के लिए? Only if he has been in practice as an advocate for not less than 10 years. 10 साल से कम की अगर practice है तो वो director नहीं बन सकता, 10 साल तक की practice होनी चाहिए। And such appointment shall be made with the concurrence of Chief Justice of the High Court. और वो appointment Chief Justice से consult करने के बाद होगा, High Court के Chief Justice से, okay? Subsection 3 says the head of the directorate of prosecution shall be the director of prosecution. Director of prosecution head hoga. Who shall function under the administrative control of the head of the home department in the state? Jo ki administrative control mein hoga, yani ki unke functions administrative functions honge. Subsection 4 says every deputy director of प्रोसिक्यूशन शैल बी सबऑर्डिनेट टू द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। ये तो जाहिर सी बात है कि जो डेप्यूटी डायरेक्टर होगा वो डायरेक्टर से नीचे की पोस्ट पर होगा, ठीक है। सबसेक्शन 5 सेज एवरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन 1 और एज द केस मे बी सबसेक्शन 8 ऑफ सेक्शन 24 टू कंडक्ट केसेस इन द हाई कोर्ट शैल बी सबऑर्डिनेट टू द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। अभी हम लोगों ने सेक्शन 24 में जितने भी लोग पढ़े हैं, ये प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये सब नीचे होंगे डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन से, ठीक है। फिर सबसेक्शन 6 सेज, अभी यहाँ पर सीधे मतलब जितने भी सेक्शन है सब में सबऑर्डिनेट के बारे में ही बात करी हुई है कि कौन कौन नीचे होंगे इनसे। सो एवरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बाय द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन 3 और एज द केस मे बी सबसेक्शन 8 ऑफ सेक्शन 24 टू कंडक्ट केसेस इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड एवरी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 25 शैल बी सबऑर्डिनेट टू द डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। सारे ही लोग जो इसमें दिए हुए हैं ये सबऑर्डिनेट होंगे, नीचे की रैंक पर होंगे टू द डेप्यूटी डायरेक्टर, ठीक है, ऑफ प्रोसिक्यूशन। Subsection 7 says the powers and functions of the director of prosecution and the deputy director. Power और function के बारे में बात करी, किसके power और function के बारे में ये section बात कर रहा है? Director of prosecution and deputy director of prosecution and the areas for which each of the deputy director of prosecution have been appointed shall be as the state government may by notification specify. जैसा state government जो इनको power function देगी उसी हिसाब से ये वर्क करेंगे, ठीक है। सबसेक्शन 8 सेज द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट व्हाइल परफॉर्मिंग द फंक्शंस ऑफ अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जो कुछ भी प्रोविजंस इस सेक्शन में दिए हुए हैं वो एडवोकेट जनरल पर अप्लाई नहीं होते हैं जो एडवोकेट जनरल किसी केस में एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्क कर रहा है उसके ऊपर ये प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे। इस सेक्शन के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे। एडवोकेट जनरल कौन होता है? एडवोकेट जनरल सीनियर लॉ ऑफिसर को कहा जाता है। तो जब कोई एडवोकेट जनरल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जगह पर है, उस वक्त कोई केस लड़ रहे हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जगह पर, तो उन पर इस सेक्शन के प्रोविजंस लागू नहीं होंगे। आई होप आप लोगों को सेक्शन 25A CRPC क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।